आओ आओ बेला। अरे आओ तो, इतने सालों के बाद मिली हो, मेरे घर वालों से तो मिलो तो। सुहासिनी, मुझे मर्दों वाले घर में घुटन सी महसूस होती है। इसीलिए तुमने अपनी मियाँ को छोड़ दिया? अरे छोड़ा नहीं, तो निकाल बाहर किया, निकाल दिया मैंने। बेली करीमा। हाँ दीदी। नौकर है? सॉरी, मैं नौकरानी नहीं रख सकती। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने मर्द जात से गुलामी तो करवा रही हो। हाय हाय, इतनी नफरत है तुम्हें मर्दों से? जी दीदी। वो चाय और नाश्ता रेडी रखना, साहब लोगों के आने का टाइम हो गया ना। अरे लो, इसमें याद दिलाने वाली क्या बात हो गई। जा भाई तू जा, और सुन हमारे लिए भी चाय और समोसे भेज दे, जा जा जा। जी अच्छा। अरे हंसनी जी, ये तुमसे ऐसे बात करता है? वो क्या है कि अचानक नया चेहरा देखकर ना ये कुछ बिदक सा जाता है। अरे गुड इवनिंग, सुनिए ना। ये मेरी फ्रेंड है बेला। नमस्ते। नमस्ते। सुहासिनी जरा एक मिनट। मैं अभी आई, 1 मिनट। हाँ सुनीता, सुनीता दीवान, समीज वाइफ। सुहासिनी की देवरानी। और आप? हंसनी की स्कूल फ्रेंड। किसकी? सुहासिनी की। इसको हम स्कूल में हंसनी बुलाते थे, और हंसनी की मैरिज के बाद अब मिली हूँ। क्यों? मैं हांगकांग सेटल हो गई थी। I'm so sorry बेला, इन्हें आज जल्दी जाना है ना, इसलिए मैं। जी। अरे मेरे मोबाइल दो। अभी दे आइए अभी। आपके पति क्या करते हैं? God knows. क्या? मुझे नहीं मालूम अब वो कहाँ है। मतलब? मैंने तलाक दे दिया उसे। कुछ भी नहीं सुहासिनी, मैंने इसे अपना डिवोर्स का बताया। देखो ना दीदी, शाम के बाद कैसी मनहूस बातें कर रही है। वैसे बेला, तुमने तो बताया नहीं, तुमने अपने मियाँ को तलाक दिया क्यों? अरे हंसनी, मेरी आंखें खुल गई, मेरे समझ में आ गया कि मर्जी सिर्फ मर्दों की नहीं औरतों की भी होती है, हक उनको ही नहीं हमको भी मिलना चाहिए। क्यों सुहासिनी? जी जी। अरे मेरा मोबाइल लाओ भाई। हाँ मैं अभी लाई। आपने अपने पति को डिवोर्स दिया या आपके पति ने आपको? मैंने। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने हस्बैंड को मदारी समझकर उनके इशारों पर नाचती फिरती है। हाँ तो मेरा सोमू मदारी है। सोमू? ये सोमू कौन है? मेरा मदारी, मतलब मेरा हस्बैंड। वो तुम्हारी मर्जी पर चलता है? नहीं, मैं उसकी मर्जी पर चलती हूँ। क्यों? पता नहीं है। वो तुम्हारे नखरे उठाता है? मैं नखरे करती नहीं। वो तुम्हारी हुकुम मानता है? मैं हुकुम चलाती नहीं। बस बस बस, तुम उन औरतों में से हो जिनके रगों में मर्दों की गुलामी करना बस क्या है। हाँ मेरा सोमू मुझे गुलामी करवाता है। तुम्हारा ही नहीं, सुहासिनी का भी। नहीं नहीं, उनके सोमू नहीं है, उनके तो बलराज हैं। ओहो, मेरा मतलब सब मर्दों से है, सारे हस्बैंड्स एक जैसे होते हैं, मेल शोविनिस्ट पिग। क्या 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 क्या? MCP। MCP? कुछ तो लीजिए ना करीमा, कुछ। जल्दी में, जल्दी में। अरे अच्छा जी, नमस्ते जी। बाय दीदी। हाँ दीदी, देखो ना ये बेला जी तो बहुत पहुंची हुई है। हाँ हाँ, इनके सामने हम जैसी औरतों की हैसियत ही क्या है। अरे बड़ी सुहासिनी, हैसियत तो बनाने से बनती है। कभी तुम भी मेरी तरह अपने शौहर से नेल पॉलिश मंगवा कर देखो, तब जानो। और तुम अपने शौहर से चाय बनवा कर पियो, तब जानो। तुम उन्हें बंदिश में डालकर देखो, तब पता चलेगा ये लक्ष्मी देवी दुर्गा सब कुछ प्यार है या दिखावा। क्या है? दिखावा है, दिखावा। हम औरतें इन आदमियों के बनाए हुए बंदिशों से आजाद क्यों नहीं हो सकती? इनकी इज्जत इज्जत है, हमारी इज्जत इज्जत नहीं। इनकी ईगो ईगो है, हमारी ईगो ईगो नहीं। अब तुम ही देखो ना सुनीता, हंसनी जैसी इतनी टैलेंटेड और इंडिपेंडेंट लड़की को भी अपने शौहर की एक आवाज पर कभी जूते, कभी टाई, कभी रुमाल लेके ऐसे भागना पड़ता है। ये ठीक है? हा? पत्नियां क्या सिर्फ इसी काम के लिए होती हैं? मगर ये सब तो मेरी मम्मी भी किया करती थी। अरे सुनीता, इसी बात का तो रोना है, मेरी भी मम्मी यही सब किया करती थी, मगर मैंने अपना ब्रेन यूज किया और अपने आप को लिबरेट किया। तुम दोनों भी ऐसे ही लिबरेट हो जाओ। ये क्या तुम दोनों अपने हस्बैंड की चमचा बनी फिरती हो? तुम तो औरतों की माँ हो, तुम्हारी ब्यूटी पार्लर में कैसी कैसी औरतें आती है और तुम उन्हें क्या बनाकर भेजती हो। अरे तुम तो एक मिसाल काम कर सकती हो। और मैं पूछती हूँ सुनीता, अगर एक दिन
तुम दोनों उनसे पहले अगर नहाने चली जाओगी तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? उन्हें भी तो इंतजार करने दो, फिर देखना दोनों के दोनों कैसे सीधे रास्ते चले आते हैं। तुम दोनों को ये गुलामी कभी नहीं करनी पड़ेगी, फिर बेला की तरह आजाद और खुश जिंदगी जी सकोगे तुम। हाँ भाभी, भाभी ये अचानक सुनीता को क्या हो गया? क्या हो गया? अरे मुझे बाथरूम से निकाल कर सीधा नीचे फेंक दिया। ऐसी बहादुरी की चाची ने है? मैं भी कहूँ कि अचानक सुनीता के अंदर का मर्द कैसे जाग गया। अब इसमें मैं क्या कह सकती? भाभी भाई 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 सुनीता ने मुझे बाथरूम से अरे बीवी के दिए हुए शौक से इतना पागल हो गया कि रोने की बात पे हंस रहा है तू? अरे अपनी बीवी के दिए हुए शौक पे तो मैं रो चुका हूँ, अभी आपकी बीवी के दिए हुए शौक पे हंस रहा हूँ मरहून। ओ भाई आप भी। ओ यार आज मेरी बीवी ने शौक से निकाली ना, पता नहीं क्या हो गया। सुबह सुबह उठ के बोलती है अपना काम खुद करो। अरे भाई आपकी वाली तो बात से बात कर रही है ना, मेरी वाली तो लात से बात कर रही है। ऐसा मारा मैं सीढ़ियों से एकदम रोकता नहीं सीखी रहा। मामला क्या भाई? हम कहीं कुछ भूल तो नहीं गए, खास करके आप? सोचिए सोचिए। नहीं मुझे अच्छी तरह याद है ना, कुछ नहीं भूल रहा। कुछ नहीं भूले? नहीं कुछ नहीं। तो फिर ये माजरा क्या है? पता लगाना पड़ेगा। जॉन जॉनी जनार्दन तारारम पम 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 पम। भाई दोनों के दोनों गायब हैं, आप वाली भी और मेरी वाली भी। अरे करीमा कहाँ गई तेरी दीदी और चाची दीदी? नाश्ते का वक्त है। साहब दोनों बाहर गई हैं। मगर कहाँ? मैंने पूछा था कि साहब लोगों के नाश्ते का वक्त है, कहाँ जा रही हैं? तो दोनों कुछ अजीब अंदाज में बोली, हमें खुद पता नहीं। उसने कहा दीदी ने या चाची ने? साहब दोनों सुबह से कोरस में बोल रही है, पता नहीं क्या मूड हो गया आज दोनों का। मुझसे भी बोल रही थी ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, तू तेरे काम कर। ये किसने कहा? दोनों ने। ये भी कोरस में कहा? इतनी लंबी लाइन कोरस में कैसे गई दोनों? हवा में पर्च घुमाती। अबे उल्लू के पट्टे, मैं पूछ रहा हूँ गाड़ी में गई है टैक्सी में गई है? आप दोनों की गाड़ियाँ लेकर गई है दोनों। अरे तो हम दोनों ऑफिस कैसे जाएंगे? मैंने पूछा था तो कहा एक दिन गाड़ी में नहीं जाएंगे तो इज्जत घट जाएगी क्या? ये किसने कहा, दीदी ने या चाची ने? दोनों ने। ये भी कोरस में? दोनों। हाँ कोरस में। ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई साहब। और साहब और आज से आप दोनों का सारा काम मैं करूंगा, ऐसा हुक्म है दोनों का। ये हुक्म भी कोरस में दिया गया? हाँ। साहब आने का कोई भरोसा नहीं है, कब आएंगी? जाते वक्त बोल रही थी चल रेस लगाते हैं। और साहब ला 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 ला, ये कौन सी फिल्म का गाना है? शट अप। वरना थप्पड़ खाएगा। ऐसा ही कहा था दोनों ने कोरस में। सुन लिया भाई, चले ले। चलिए चलिए मुंह खोलिए। दादाजी ये तो बहुत कड़वी है। चुप ना करीमा, जा यहाँ से। बहुत कड़वी होगी भाई। मैंने कहा था। जा यहाँ से। बहुत कड़वी है। ये वाली मीठी है। अरे एक तो अभी कड़वी खिलाई है। That's a good boy. अभी मैं कहती हूँ इतनी ज्यादा आप उछल कूद मत करा करिए, अपनी उम्र का नहीं तो कम से कम अपनी हड्डियों का तो ख्याल रखा। अरे यही उछल कूद तो मेरी तंदुरुस्ती का राज है, तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना? ऑफ कोर्स। कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को खुश नहीं देखना चाहेगी? और पति भी तो खुश रखने वाला होना चाहिए। सच ये बात तो है। आई एम रियली वेरी लकी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। याद है जब जिनीवा में मैं बीमार पड़ी थी तो आपने 5 डॉक्टरों को एक साथ फोन कर दिया और 5ों के 5ों वहां पर आ धमके, हमारा सारा फॉरेन एक्सचेंज तो उसी में निकल गया था। मैं तो डर के मारे फॉरेन ठीक हो गई। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट थी कि फॉरेन एक्सचेंज? सच, माँ बाप को कितनी समझ होती है कि अपनी बेटी के लिए वो सही जीवन साथी चुने। वाह भाई वाह, पटाया मैंने और क्रेडिट दे रही हूँ अपने माँ बाप को, इट्स नॉट फेयर। अच्छा भाई फाइनल अप्रूवल तूने का था ना? हाँ वो ठीक है, चलो गार्डन चलते हैं टहलने के लिए। नहीं 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 चल के लेटिए, आपके पैर में तकलीफ है उस पर भार नहीं पड़ना चाहिए। आज
मम्मी जी को क्या हो गया? हाँ, लगता है उन्हें भारतीय नारी जाग गई है। लेकिन कुछ भी कहो, डैडी जी भी तो उनका कितना ख्याल रखते हैं। ओह स्वीट। हाँ देखो ना, हमेशा मम्मी जी के बाद ही नहाते हैं। हाँ, ऐसा क्या है मम्मी जी में जो डैडी जी उनके हर वक्त आगे पीछे? दीदी, मुझे लगता है मम्मी जी हमसे ज्यादा खूबसूरत रही होंगी। देखो ना, इस उम्र में भी कैसा खिला खिला चेहरा रहता है उनका। लेकिन अब ये दोनों जैसे हैं, उनके लिए भी तो हम परफेक्ट मैच हैं। तो उसकी बात, डैडी जी का कोई भी बेटा उन पर नहीं गया। भला उस बेला का जो उसने हमें जगा दिया नहीं। लेकिन अब हम अपने अपने वालों को डैडी जी के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देंगे। हाँ दीदी, अब हम ही मर्दों की तरह जिएंगे। अब नो मोर, चल बैठ जा, बैठ गई, चल खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। दीदी दीदी, मुझे रोको, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। नो 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 चाची, इस लावे को अंदर ही उबलने दो, फटना नहीं चाहिए वरना नुकसान हो जाएगा। अकलमंदी से काम लो। डरना नहीं चाची, डरना नहीं। अरे डर गई, डर गई। आप दोनों आ गए? हाँ। सब लोग आपसे बहुत नाराज हैं। उनकी नाराजगी का सुनकर हम भी बहुत नाराज हो गई हैं। कह देना अपने साहब लोगों से, चल पानी पूरी खा कर आते हैं। रहम करे। आया साहब। भाई हमने तो गलत आवाज लगा दी, हमें तो अपने बीवियों को आवाज लगानी चाहिए। नहीं, अरे पहले पता तो चलिए दोनों हैं कहाँ। जी साहब। कहाँ गई दोनों? साहब बहुत बुरी खबर है, आप दोनों की नाराजगी का सुनकर वो दोनों और भी नाराज होकर चली गई। अरे पर चली कहाँ गई? ला 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 ला। जवाब दे। जवाब ही तो दे रहा हूँ साहब, ला 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 ला, ऐसा गाते हुए कहीं चली गई। ला ला ला। भाई ये दोनों ने नया अड्डा कौन सा ढूंढ लिया? डार्लिंग, तुम दोनों कहाँ गई थी? इधर उधर, यहाँ वहाँ। मगर क्यों? मर्जी। मर्जी? मर्दों की मर्जी मर्जी है, औरतों की मर्जी मर्जी नहीं। सुहासिनी। हाँ। सूजी डार्लिंग, ये मर्जी कब से शुरू हो गई? क्यों, नए नए ख्याल मर्दों को आ सकते हैं, औरतों को नहीं। देर से ही सही, चल निकली हमारी भी मर्जी। सुनो। ऐ लोगों ने सोच क्या रखा है? यही कि अब हम भी मर्दों की तरह जिएंगी। नो बंधन नो बंदिश। बंधन बंदिश तोड़ने का नतीजा पता है? ऐ नो धमकी, नो धमकी। यू मेन शुभनिस। एमसीपी। एमसीपी? एमसीपी? हाँ, अब तुम लोग मदारी नहीं रहे, अब हम मदारी बन गई हैं। अब से हम भी अपना हक का पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगी। हक? तुम्हारे उठने के बाद उठा करूंगी, तुम्हारे नहाने से पहले नहाया करूंगी, हमसे रुमाल मोजा मांगना बंद, और हर सेकंड हमें नेल पॉलिश बिंदिया कंगन उठा उठा कर देना होगा, और हमें चाय भी बनाकर खिलाना पड़ेगा। चाय भी? तुम शौहर हो तो हम भी बीवी हैं, बराबर का मूड, बराबर का लाइफस्टाइल। तुम्हें मंजूर है तुम रह सकते हो, वरना 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 तुम लोग अलग कमरे में, हम लोग अलग कमरे में। चले चाची। लेकिन किस कमरे में? हमारे कमरे में। हमारे कमरे। ला 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 ला। भाई मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। आजा बैठ जा, बैठ बैठ। भाई हम लुक गए, हम बर्बाद हो गए भाई। अरे धीरज रखो, धीरज रखो, वो मत बनो जो वो हमें बनाना चाहती हैं। भाई हमारे साथ भी ऐसा होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उनके साथ क्या होने वाला है ये उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। भाई कहीं आपके दिमाग में कोई खतरनाक प्लानिंग तो नहीं है? हो सकता है। नहीं भाई, आखिर कुछ भी हो वो हमारी वाइफ है, मेरा मतलब अर्धांगिनी है ना। मालूम है। बह गई है, सुधारना है। मालूम है। मगर कैसे? यही नहीं मालूम। नहीं भाई, नहीं भाई, भाई नहीं नहीं। करीमा को बोला है? करीमा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। करीमा आया था। अच्छा अच्छा सुन, तुझे क्या लगता है ये थॉट इन दोनों की हो सकती है? आपकी वाली का तो हो नहीं सकता,
अपनी वाली का कह नहीं सकते। मुझे तो लगता है इसमें जरूर कोई फॉरेन हैंड है। इस घर में कोई आया था? नहीं। अबे उल्लू के पट्टे, कोई आई थी? बेला नाम था उसका। बेला? इसको मैं देख चुका हूँ। अच्छा, मिल चुका हूँ। अरे किस किस्म की औरत है? खड़ूस, एकदम खड़ूस। मैं जब भी उसके पास से गुजरता था उसके मुंह से मर्दों के लिए जहर ही उगलता। ओ बस बस बस, मिल गए भाई। अगर मैंने उस बेला का मेला नहीं बनाया ना, 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 ना। तो बेला को बाद में निपटेंगे, पहले अपनियों को निपट ले। ये दिन, ये साल, ये महीना। Oh my God! ये क्या है? क्या है? दीदी ने और मैंने पूछा, ये सब क्या है? साहब लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और फैसला किया है कि घर का सारा काम खुद करेंगे। तुम दोनों जाकर कपड़े बदलो प्लीज। सोमो! ए करीमा, तू क्या हंस रहा है? उठ, घर का काम कर, ऐसे नहीं चलने वाला। मम्मी जी, दादी जी आएंगे, देखेंगे, क्या कहेंगे, सोचो। अब दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, हमने तय कर लिया भाभी, अब हम MCP नहीं कहलाएंगे। क्यों भाई? हाँ सोमो, किसने कहा तुम्हें MCP? मैंने तो कहा। आज तुम लोगों को ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है, जाना है। क्यों? जो औरतें ऑफिस जाती हैं वो घर का काम नहीं संभालती क्या? साहब क्यों मेरी रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं? ए मर्द जात पे कलंक, अपने मतलब के लिए तू हमसे हमारे बीवियों पर अत्याचार करवाता। क्यों भाई? हमने जो बात की है उसका प्रायश्चित हमें करना ही होगा। क्यों जी? हाँ जी, हाँ हाँ, लेकिन हमने आपको ऐसा बनने को तो नहीं कहा था ना। जी सोमू, इन कपड़ों में तुम बिल्कुल करीमा के रिश्तेदार लगते हो। हेलो, ऐसे कपड़े तो छोटे दर्जे के लोगों लोग पहनते हैं। हाँ। नया चक्कर है भाई। क्या हो रहा है? विशाल के स्कूल में कोई पेरेंट्स के लिए फैंसी ड्रेस है जिसके लिए ऐसे तैयार हुए हो? अरे नहीं मम्मी जी, हम लोग नौकर नौकर नहीं खेल रहे हैं, भाई और हम सचमुच के नौकर हैं। ये मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, आज से हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ही बताइए, ऐसा भी किसी को रहना चाहिए भला? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं रहना चाहिए, हम ऐसे ही रहेंगे। आज से हम अपनी बीवियों को खुश देखना चाहते हैं। हाँ तो फिर वो सब करो जो हम कहती है ना, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, वही करो जो हमारी बहुएं चाहती हैं। अच्छा चलिए चलिए चलिए, डॉक्टर के लिए देर मत। चाची हम समझ गए, अगर ये आप लोग का तरीका है हमको ठीक करने का तो नो वे। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आपके इस ड्रामे से डर कर हम लोग आपसे गिड़गिड़ा कर कहेंगे कि प्लीज जी हमें माफ कर दो जी, सुनिए जी, फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे जी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमारा इरादा अटल है, हम डोरमैट नहीं बनने वाली। चलो चाची। आओ दीदी दीदी भाई, हम लॉक हो गए। अरे ये कौन सी फिल्म का गाना है जो आप दोनों कल से गुनगुना रही? यू जस्ट शट अप करीमा। हैं? फिर शट अप? कल से ला 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 शट अप, ला 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 शट अप। बंद करीमा, मुंह बंद। चलो चच्ची, चलो दीदी। भाई ने बेहोश होने से पहले ये वसीयत की थी कि भाभी को इनकी तरफ न लपकने दिया जाए। समीर कैसी बात कर रहे हो? मैं इनकी बीवी हूँ ना, इसीलिए तो आप लोगों को जब कुछ हो जाता है तो हम आपकी तरफ लपकते हैं। नहीं ना, फिर आप क्यों हमारी तरफ लपके? नहीं नहीं, क्यों लपके? भैया भैया कुछ बोलिए ना प्लीज। ए जी, ओ जी, सुनिए जी, होश में आइए जी, आंखें खोलिए प्लीज। भाभी आप मरीज से दूर रहिए, आप दूर रहिए मरीज से प्लीज। हाय हाय, क्यों? होश में आते हैं, अगर इन्हें आपकी सूरत दिख गई तो इनका हार्ट फेल भी हो सकता है। नहीं, ये क्या हुआ, क्या हुआ बलराज को? अरे ये क्या, एक्सीडेंट हो गया क्या? डैडी जी, दिमाग में जब परेशानी हो, एक आदमी से जब उसका सुख चैन खुशी इत्मीनान छिन जाए तो यही होता है। क्या बकना समीर? मम्मी जी, भैया कल से बहुत परेशान थे, बार बार यही दोहरा रहे थे, सुहासनी को मैं खुश नहीं रख सका, सुहासनी को मैं खुश नहीं रख सका, इसी सोच में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ठोक दी। सुहासनी मुझे माफ कर दो।
एमसीपी हो ना? एमसीपी? नहीं 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 नहीं, आप नहीं है जी, आप नहीं है जी। ये तुमने क्या किया बलराज? मम्मी जी, अपने आप को सजा दे रहा हूँ। एमसीपी जो है ना मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा इन्हें खूब खुश रखने को, इन्हें जरा भी टेंशन न हो। मैं तो खैर रखूंगा ये ख्याल, आप भी जरा ध्यान रखिएगा, इन्हें प्यार की सख्त जरूरत है। मैं खुश रखूंगी ना इनको, मैं खुश रखूंगी। ना भाई, ना ना, भाभी आपको कोई टेंशन नहीं देंगी, आपके पास नहीं रहेंगे। भाभी, भाई ने कभी आपको खुश रखा है जो आप इन्हें खुश रखेंगी? हमेशा रखा, रख रहे हैं, रखेंगे। भाई, ये कैप्सूल आधे आधे घंटे में खाना, मैं रहूंगा तो खिला दूंगा, नहीं तो मम्मी जी खिला देंगे। नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगी ना कैप्सूल, मैं खिलाऊंगी ना। हां ना भाई, ना हम भाभी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। भाभी, भाई ने आपको कभी कैप्सूल खिलाई है जो आप भाई को कैप्सूल खिलाएंगी? क्यों नहीं खिलाई है, कई बार खिलाई है। हां, मेरे सोनू ने भी मुझे खिलाई है। सोनू, तुम भी तैयार रहना, मेरा भी किसी भी वक्त हो सकता है एक्सीडेंट। पानी, पानी मैं लाई, अभी लाई पानी। ना भाभी, ना आप क्यों लाएंगे भाई के लिए पानी? कभी भाई आपके लिए पानी लाए हैं? क्यों नहीं लाए, कितनी बार लाए हैं मेरे लिए पानी। हाँ, मेरा सोमू भी लाया मेरे लिए। चल झूठी है, खड़ा खड़ा क्या है, जाकर पानी लेकर आ रहा। हाँ अभी लाया। समीर, मुझे संजीव के कमरे में ले चलो। ना भाई ना, मैं आपको आपके ही कमरे में ले चलता हूँ, वैसे भी भाभी सुनीता के कमरे में सोती हैं। हाय, क्यों दीदी को मेरे कमरे में सोएगी? मेरे कमरे में तो मेरा सोमू ही सोएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमारे कमरे में चले जी, अपने कमरे में। समीर, ना भाई ना, मैं आप ही के कमरे में सोऊंगा, वैसे भी डैडी जी और मम्मी जी रह गए हम दोनों भाइयों का दुख दर्द समझने को। बेटा रो मत, रो मत, बलराज जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, मैंने भी एक नर्स बुलाई है, आती ही होगी। छी, नर्स क्यों आएगी? मैं हूँ ना, मैं करूँगी सेवा। अरे वाह, तुम अपने पति की तो सेवा करना नहीं चाहती, भाभी के पति की सेवा क्यों करोगी? बारे 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 वाह, ये भैया है। हाँ, मेरे कुछ नहीं है, तुम सब मिलकर करो सेवा, मैं नहीं कर सकती कि अपने सिस्टर की बहुत कर सकती। वो बेला की बच्ची सारे फसाद की जड़ उसको तोड़ दूंगी। मैंने कितना कहा, कितना कहा, लेकिन तुमने कहा सुना मेरी बात? सुनो, चाय लेके आ जाओ, जल्दी जाओ। आइडिया हिट है भैया, हिट है, आइडिया हिट है भैया, हिट है। चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन। पैरों तले रहे जमीन, एक भाई देख, हा एक भाई देख, जमाना है रंगीन। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, हा देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है।